जैसा कि आप देख रहे हैं जमशेदपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। तापमान 42 डिग्री 43 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। सोमवार के दिन हालांकि काफ़ी ज़ोरदार आंधी तूफान आया और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। कई जगह पर बैनर पोस्टर्स टीन ना जाने क्या क्या चीज़ें सड़कों पर गिरी और कई सारे पेड़ गिरे, इलेक्ट्रिक पोल गिरे, जिसकी वजह से कई सारे हादसे भी हुए। और मौसम विभाग ने आज बारिश होने की संभावना जताई थी शाम में। फिलहाल आसमान में आप देख सकते हैं कि बादल भी थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं और शाम से ही लगभग 5 बजे से मौसम का हाल थोड़ा सा बदला दिख रहा है, मिजाज बदला हुआ नज़र आ रहा है। और संभावना यही जताई गई है कि शाम होते होते रात होते होते बारिश एक बार ज़रूर होगी। तो जिस तरह से जमशेदपुर में लगातार मौसम की वजह से परेशान लोग और जो टेम्परेचर है वो अपने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, उसमें अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत आज थोड़ी बहुत मिल सकती है। और हालांकि देख सकते हैं हम कि जिस तरह की गर्मी थी सुबह से, अभी शाम के वक्त ठंडी हवाएं चली है, लोगों को राहत मिली है। बारिश के बाद और राहत लोगों को मिल सकती है। तो ये मानगो से मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ लाइव के माध्यम से। मौसम काफ़ी बदला हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। इस खुशगवार मौसम में आप भी बाहर निकलकर इसका लुत्फ लें। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस गर्मी के दिनों में कई जगह पर, चाहे ज़िला प्रशासन हो, उपायुक्त हो, या फिर जो आपके नगर निकाय नगर निगम के क्षेत्र है, उनकी तरफ से भी कुछ व्यवस्थाएं की जाती है, पानी वगैरह की व्यवस्थाएं की जाती है, ठंडे पानी। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि गर्मी में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। धूप की तपिश काफ़ी ज़्यादा रहती है, गर्माहट काफ़ी ज़्यादा रहती है। उस कंडीशन में अपने आप को भी सेफ रखना है, अपने आप को बचाना है और सभी सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर आपको घरों से बाहर निकलना है, क्योंकि काफ़ी तपिश और काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है ये आपके लिए ये गर्मी। इसकी वजह से लू भी लग जाते हैं, कई सारे लोगों को तबीयतें ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने की ज़रूरत भी है। फ़िलहाल आज के मौसम को आप इंजॉय करें। और मौसम विभाग ने तो कहा है कि बारिश होगी, अब देखना होगा कि रात तक बारिश होती है या नहीं, क्योंकि संभावना यही जताई गई थी कि शाम तक बारिश होगी। और शाम होते होते मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है जमशेदपुर का। हवाएं चल रही है, आसमान में बादल भी लगे हुए हैं और बूंदाबांदी थोड़ी बहुत बारिश हुई भी है। ये बारिश अब तेज़ गति के साथ कब होती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मौसम बारिश की ही बताई गई है, संभावना बारिश की ही जताई गई है। तेज़ हवाएं और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं सोमवार के दिन चली थी, कहीं ना कहीं वो एक तरह से बहुत ही ख़तरनाक हवा थी। और उस हवा में कई सारे पेड़ गिरे थे, कई सारे हादसे हुए थे। गुलमुरी के अंदर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी पेड़ के नीचे दबकर। तो उस तरह से हवा ना चले, हम तो यही दुआ करते हैं। हाँ, हवा चले, अच्छी हवा चले, नॉर्मल हवा चले, ठंडी हवा चले और बारिश हो, लोगों को राहत मिले, यही उम्मीद हम करते हैं। चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हम आपसे मिलेंगे किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए इस सुहाने मौसम को, इस खूबसूरत मौसम को आप भी घरों से बाहर निकल कर इंजॉय करें। देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।